चुना जाता है, कभी किसी क्षेत्र में पहुंच गया तो पहुंच गया, तब जनता ने उससे सवाल कर लिया। लेकिन जो पार्षद जिसका कि जिसे अपने वार्ड में ही रहना है, जनता के बीच ही रहना है, उसका काम कितना कठिन होता है। इसीलिए मैं कहता हूं यह जो स्थानीय निकायों का चुनाव होता है, इसमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं की और चुनाव लड़ने वाले हमारे जो प्रत्याशियों की जनता के प्रति एक विशेष प्रकार की प्रतिबद्धता होती है, हमारा ऐसा मानना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव की अन्य चुनावों से ज्यादा अहमियत है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में उठाकर देखिए, और मैं दक्षिण भारत की बात मैं छोड़ता हूं, लेकिन उत्तर भारत के बारे में मैं कह सकता हूं, जब कभी भी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं तो स्थानीय निकायों के चुनाव में जनता की फर्स्ट और नेचुरल च्वाइस यदि कोई राजनीतिक पार्टी रही है तो भारतीय जनता पार्टी रही है बहनों भाइयों, और पहले भारतीय जनता युवा रही है। यानी लोग यकीन करते हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सचमुच गुड गवर्नेंस देने का काम, यानी सुशासन देने का काम यदि कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। विकास का काम भी यदि कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लोग स्वाभाविक रूप से सच्चाई को स्वीकार करते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, 3.5 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि हमारे सारे राजनीतिक विरोधियों ने एक स्वर से जोर मचाना प्रारंभ कर दिया कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, देश में आर्थिक मंदी आ गई है। जैसे ऐसा लगने लगा कि उनके स्टेटमेंट थे, उनके वक्तव्यों से भी जैसे लगा कि एकदम पूरी तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बहनों भाइयों, दुनिया की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, मैं सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बात नहीं करता हूं, लेकिन अभी हाल में ही कल ही मोदी नाम की एक जो रेटिंग एजेंसी है, जो समय समय पर विश्व के सभी देशों के अर्थव्यवस्था के हालात की समीक्षा करती रहती है, जिसमें विश्व के माने जाने 100 से अधिक अर्थशास्त्री बैठते हैं, और अर्थशास्त्री ही इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है।